सो आई वॉच्ड टाइगर 3 इन आईमैक्स फर्स्ट डे फर्स्ट शो, जो कि मुझे अच्छी लगी है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं और ना ही खराब। लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। स्टोरी की बात करें तो इसमें हमें जोया की बैक स्टोरी दिखाई गई है, बिफोर शी वॉज एन ISI एजेंट, और कैर का कुछ कनेक्शन भी है इमरान के साथ, जो कि मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता आपके लिए, जिसे आप थिएटर में ही एक्सपीरियंस करें तो बेहतर है। फिर आता है भाई का एंट्री सीक्वेंस, जो कि जबरदस्त मजेदार फुल पैक एक्शन के साथ होता है, जो कि आईमैक्स में देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इवन VFX CGI वेर डैम इम्प्रेसिव इन दोस सीक्वेंस। मूवी की सबसे अच्छी चीज ये है उसका एक्शन ब्लॉक और कटरीना कैफ का एक्शन कोरियोग्राफी, जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। टाइगर 3 स्टोरी वाइज ज्यादा फोकस करती है, जिस वजह से एंटरटेनिंग फैक्टर थोड़े कम हो जाते हैं। व्हाट आई डिड नॉट लाइक अबाउट टाइगर 3 इसकी इसका स्क्रीन प्ले, जो कि बहुत सीन्स में वीक लगता है, और राइटिंग वाइज भी कुछ नया किया नहीं है, बहुत लेजी राइटिंग है मूवी की। स्टिल ये आपको उसके एक्शन और सलमान की स्क्रीन प्रेजेंस के वजह से जोड़ के रखती है। इमरान के कैरेक्टर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी मेरी, बट इट्स फील फ्लैट, नो वे क्लोज टू जिम, जो कि एक थ्रेड फील हो रहा था पठान में, बट हेयर इमरान का कैरेक्टर आतिफ को कुछ खास लिखा ही नहीं गया। इवन द क्लाइमेक्स इज अंडरवेलमिंग। मूवी का फोकस बहुत जियोपॉलिटिक्स पर भी था, जो कि मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा उतना, और एंड का बहुत ज्यादा ही स्ट्रेच किया है। अगर कुछ स्पॉयलर्स पे आए तो बता दूं, इसमें हमें दो कैमियोस मिलने वाले हैं। इसमें पहला है पठान का यानी शाहरुख खान का, जो कि टाइगर को हेल्प करने आएंगे निकलने के लिए फ्रॉम पाकिस्तान। फिर वहाँ पे एक अच्छा चेस प्लस एक्शन होता है बीच में, जो कि विजुअल्स वाइज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बट अगेन राइटिंग बहुत लेजी था वहाँ पे, जिस वजह से पठान का कैमियो वैसा इम्पैक्ट क्रिएट करने में फेल हो गया जैसा टाइगर ने पठान में किया था। आई थिंक दे वॉन्टेड टू रिक्रिएट सीन ऑफ पठान बट फेल्ड मिजरेबल। और मिड क्रेडिट सीन भी है एक जस्ट आफ्टर द सॉन्ग, जिसमें हम कर्नल लूथरा और कबीर दोनों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन देखने मिलता है, और कबीर का लुक भी रिवील करते हैं, जिसे देखकर मुझे बैंग बैंग में ऋतिक की एंट्री और एंड गेम में हॉकाई का फाइट की याद दिला दी। मुझे लगता है इसे अलग से शूट करके डाला गया है मूवी में, हो सकता है अयान मुखर्जी का डायरेक्शन है, बिकॉज इसका वाइब बहुत डिफरेंट था पूरे टाइगर 3 मूवी से। इन शॉर्ट टाइगर 3 एक डिसेंट या यू कैन से अच्छी एक्शन मूवी है, जो कि आपको अच्छा एक्शन थोड़े इमोशन के साथ प्रोवाइड करती है और हिंट देती है अपकमिंग स्पाइनवेस्ट की मूवी। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा वॉच था थिएटर में टाइगर 3। आई वुड से इफ यू लाइक एक्शन मूवीज देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। होप यू लाइक द वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।